प्रिय विद्यार्थियों, मेदसा विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अंतिम वर्ष बीकॉम अंतिम वर्ष की समाप्त हो चुकी हैं और उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थियों की परीक्षाएं अच्छी गई होंगी और संभवतः सभी अच्छे मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होंगे। विद्यार्थियों, हमारा विषय इंटरनल कंट्रोल मेजर्स हम पढ़ रहे थे, उसके तहत विभिन्न छोटे प्रश्न के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे और हम आगे बढ़ते हैं इसी विषय में। मजदूरी के संबंध में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का क्या स्वरूप होगा? विद्यार्थियों, जैसे हमने पढ़ा है आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत, और यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, मजदूरी के संबंध में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का क्या स्वरूप होगा। इसके अंदर विद्यार्थियों, मजदूरी के संबंध में जैसा अपन को पता है, सभी आप जानते हैं कि उपस्थिति किस प्रकार से दर्ज की जाती है। मजदूरी की प्रभावशाली निरीक्षण व्यवस्था हेतु मजदूरी का लेखा रखना आवश्यक है। इसे समय अनुसार या कार्य अनुसार, अर्थात समय के आधार पर भी मजदूरी का भुगतान किया जा सकता है और कार्य के अनुसार भी मजदूरी का भुगतान किया जा सकता है। अतः इसे समय अनुसार या कार्य अनुसार मजदूरी के आधार पर रखा जा सकता है। इस हेतु समय रिकॉर्डिंग घड़ी, धातु के कार्ड, उपस्थिति रजिस्टर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। कार्यानुसार मजदूरी की दशा में जॉब कार्ड, अधिक समय कार्ड, ओवर टाइम और प्रतीक्षा कार्ड इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि समयानुसार एवं कार्यानुसार मजदूरी का लेखा रखना इस प्रकार से रखेंगे और माह के अंत में उसका भुगतान इसकी गणना करके किया जाएगा। यह मजदूरी का हिसाब किताब रखने का तरीका है जो इंटरनल कंट्रोल मेजर है, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि मजदूरी का लेखा किस प्रकार से रखकर उसका भुगतान किया जाता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, माल लौटाने की प्रक्रिया हेतु कार्य विभाजन किस प्रकार किया जाना चाहिए। अर्थात जब माल लौटाया जाता है, माल वापसी के संबंध में इसमें किस प्रकार से कार्य विभाजन किया जाए और इसकी अकाउंटिंग, इसका लेखा किस प्रकार से किया जाए, कौन कौन व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार होंगे। माल वापसी के संबंध में कार्य विभाजन निम्न प्रकार है। नंबर वन, स्टोर क्लर्क द्वारा वापसी की सूचना देकर पैकिंग करके माल भेजा जाता है क्रय विभाग। नंबर दो, क्रय विभाग में बीजक पास करने वाले कर्मचारी के पास आवश्यक लेखा किया जाता है। नंबर तीन, लेखा विभाग द्वारा डेबिट नोट बनाया जाता है तथा क्रेडिट नोट प्राप्त किया जाता है। नंबर चार, लेखा विभाग में ही क्रय वापसी बही में लेखा करके आवश्यक राशि कम करके भुगतान किया जाता है। तो विद्यार्थियों, जैसे अपन सभी जानते हैं, सबसे पहला काम है स्टोर क्लर्क माल को वैसा का वैसा पैक करेगा, क्रय विभाग बीजक बनाएगा और कर्मचारी आवश्यक लेखा करेगा, लेखा विभाग डेबिट नोट तैयार करेगा और क्रेडिट नोट प्राप्त करेगा, और अंत में लेखा विभाग क्रय वापसी भाई अर्थात परचे रिटर्न बुक में लेखा करके आवश्यक राशि कम करके भुगतान करेगा। तो ये कार्य विधि है जिसको कि माल वापसी के संबंध में संस्थान के द्वारा अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, संपत्ति व माल के क्रय हेतु आंतरिक नियंत्रण पद्धति क्या है? संपत्ति अर्थात एसेट्स व माल के क्रय अर्थात जो गुड्स परचेज हम करते हैं, उसके संबंध में इंटरनल कंट्रोल मेजर्स क्या अपनाए जाते हैं? इसके संबंध में विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस हेतु स्टोर कीपर माल की आवश्यकता अनुसार अनुमान लगाकर क्रय मांग पत्र अर्थात परचेज रिक्विजिशन बनाता है कि कितने माल की किन किन क्वालिटी की किन क्या क्या विशेषताओं की आवश्यकता है, जिसको हम बोलते हैं क्रय मांग पत्र,
परचेज रिक्विजेशन बनाया जाता है, पूर्ण विवरण सहित क्रय विभाग को भेजता है। किसको भेजता है? जो परचेज डिपार्टमेंट है उसे भेजा जाता है। क्रय विभाग द्वारा माल को क्रय की आवश्यक शर्तें निर्धारित करके आवश्यक क्रय आदेश दिए जाते हैं, अर्थात परचेज ऑर्डर कौन प्लेस करता है? परचेज डिपार्टमेंट। जो शर्तें हमें लिखी हैं उस स्टोर कीपर द्वारा, जो शर्तें लिखी गई हैं, जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है, उसके अनुसार परचेज ऑर्डर को प्लेस किया जाता है। माल प्राप्त होने पर आवश्यक जांच के पश्चात माल प्राप्ति नोट तैयार किया जाता है। जब माल प्राप्त हो जाता है सप्लायर के द्वारा या आदेश पूर्ति के पूरक जिसने आप परचेज ऑर्डर लिया है उसके द्वारा, तो एक गुड्स रिसीव्ड नोट बनाया जाता है। जब माल प्राप्त कर लिया जाता है तो जिसे बोलते हैं माल प्राप्ति नोट, इसकी प्रति क्रय विभाग द्वारा लेखा विभाग तथा भंडार गृह को भेजी जाती है। ये क्रय विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। और ये गुड्स रिसीव्ड नोट किसको भेजा जाता है? एक तो लेखा विभाग को और दूसरा स्टोर डिपार्टमेंट को। तत्पश्चात लेखा विभाग तथा भंडार गृह को भेजी जाती है। तत्पश्चात लेखा विभाग आवश्यक जांच करके भुगतान की कार्रवाई करता है। इस समस्त कार्य का विभाजन स्टोर कीपर, क्रय विभाग के कर्मचारियों तथा लेखा विभाग में किया जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक कर्मचारियों के कार्य संपादन का साथ साथ निरीक्षण भी हो सके। अर्थात कार्य इसमें तीन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, संलिप्त होते हैं, स्टोर कीपर भी, क्रय विभाग और लेखा विभाग। इन तीनों विभागों की जिम्मेवारी, इनके कर्मचारियों की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि इस प्रकार से इनको क्रय का और संपत्ति के क्रय का लेखांकन एवं माल प्राप्ति की जानी है। इनकी स्वयं की जिम्मेवारी होनी चाहिए तीनों विभागों के कर्मचारियों की। अगला बिंदु है विद्यार्थियों, एक अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कैश। नगद प्राप्तियों की आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था किस प्रकार की जाती है? जो कैश ट्रांजैक्शन है उसका इंटरनल कंट्रोल मेजर्स क्या अपनाएं कि जिससे नगद के गबन की एवं अन्य चीज़ों की गलतियां ना हों। नंबर वन, दैनिक प्राप्तियों को तुरंत ही बैंक में जमा कराना चाहिए। जो डेली रिसीट्स हैं उनको तुरंत प्राप्त करके कहाँ जमा करा देना चाहिए? बैंक के खाते में। नंबर दो, प्रत्येक नगद प्राप्ति की रसीद दी जानी चाहिए, अर्थात जो भी नगद धनराशि प्राप्त करते हैं उसकी तुरंत नगद रसीद देनी चाहिए। यह रसीद छपी हुई हो तथा उस पर क्रमांक लगा हो। ऐसी रसीद पुस्तिकाएं किसी उत्तरदायी अधिकारी के पास ही रखी जानी चाहिए। नंबर तीन, व्यवसाय की डाक किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा देखी जानी चाहिए, अर्थात कहने का मतलब जो भी डाक प्राप्त होती है संस्थान की वह किसी उत्तरदायी व्यक्ति के द्वारा देखी जानी चाहिए। डाक से प्राप्त सभी चेक, ड्राफ्ट इत्यादि रेखांकित करके रोकड़िए को लिखित प्राप्ति लेकर दिए जाने चाहिए। अर्थात जो डाक से प्राप्त होते हैं चेक, ड्राफ्ट इत्यादि, वो सभी इंद्राज करके रोकड़िए को लिखित रूप से प्राप्ति रसीद देने के पश्चात देने चाहिए। अगला चौथा बिंदु इसी में ही है, बैंक पासबुक व रोकड़ बही का मिलान समय समय पर करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विद्यार्थियों, हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं और हम सभी जानते हैं कि बैंक पासबुक व रोकड़ बही का दोनों का मिलान करना चाहिए। दोनों का बैलेंस मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो किन कारणों से नहीं मिल रहा। रोकड़ बही व खाता बही अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लिखी जानी चाहिए। महत्वपूर्ण चीज़ है विद्यार्थियों, कैश बुक अलग व्यक्ति के द्वारा संधारित की जानी चाहिए और खाता बही अलग व्यक्ति के द्वारा संधारित की जानी चाहिए। और अगला बिंदु है इसी में ही, स्वचालित टिल्स या कैश रजिस्टर का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है विद्यार्थियों, जिसके अंदर नगद धनराशि का प्रयोग जो प्राप्त होती है संस्थान के अंदर विभिन्न डेली या डाक के द्वारा, उसके अंदर किस प्रकार से हमको रोकड़ के अंदर
और खाता बही के अंदर इंद्राज करना है, किस प्रकार से हमें कैश बुक और बैंक का रोकड़ बैंक स्टेटमेंट से हमको इसका मिलान करना है, ये अति महत्वपूर्ण चीज विषय। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, विक्रय एजेंट द्वारा विक्रय के संबंध में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के विभिन्न चरण बताइए, अर्थात जो सेल्स हम करते हैं, विक्रय हम करते हैं, उसमें विक्रय एजेंट जो हमारे सामग्री का विक्रय को बनाए रखने के लिए, विक्रय को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, उसका लेखांकन आंतरिक निरीक्षण प्रणाली किस प्रकार से करें। उत्तर है विद्यार्थियों, एजेंट द्वारा विक्रय का विवरण तैयार करना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एजेंट ने जो माल बेचा है उसके माध्यम से जो माल बिका है उसका विवरण वो तैयार करता है। नंबर दो, एजेंट द्वारा प्राप्त धनराशि तुरंत मुख्यालय को भेजी जानी चाहिए, अर्थात एजेंट के माध्यम से जो धनराशि प्राप्त होती है वह कहाँ एजेंट को भेजनी चाहिए, तुरंत मुख्यालय। नंबर तीन, मुख्यालय देनदारों की सूची तैयार करके संदिग्ध देनदारों को स्मरण पत्र जारी करने चाहिए, जो देनदार हैं उनकी सूची मुख्यालय तैयार करके, और संदिग्ध अर्थात जो जिनसे पैसा वसूल नहीं हो पा रहा है डेटर्स, उनको स्मरण पत्र जारी करना चाहिए जिससे कि वह हमारी धनराशि का भुगतान करें। चौथा बिंदु है, एजेंट को कच्ची रसीद जारी करने का अधिकार दिया जाए। एजेंट को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह कच्ची रसीद जारी कर सकता है, तथा पक्की रसीद जारी करने का अधिकार मात्र मुख्यालय को ही होना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, यदि एजेंट कोई नगद धनराशि प्राप्त करता है तो उसे कच्ची रसीद देने का अधिकार है, और यदि मात्र पक्की रसीद देने का अधिकार मुख्यालय को ही है।